मध्य प्रदेश में होने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव के विसात बिजनी शुरू हो गई है। इस बार का विधानसभा चुनाव बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस बार टक्कर कांग्रेस और भाजपा के बीच ही नहीं होगी, बल्कि कई दूसरे राजनीतिक दल भी मध्य प्रदेश के चुनावी घमासान में शामिल होंगे। अब मंगलवार को मध्य प्रदेश के मंदसौर पहुंचे भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने सुवासरा से मंदसौर तक करीब 60 किलोमीटर का रोड शो किया। इसके बाद शहर के महाराणा प्रताप चौराहे पर जनसभा को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि उनकी पार्टी प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वो मध्य प्रदेश में साइकिल यात्रा भी करेंगे। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपने संबोधन में कहा कि लगातार दलितों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, ऐसे में अब उन्हें जगाने की जरूरत है। अब भाजपा और कांग्रेस दोनों को समर्थन ना देते हुए हमारी पार्टी को तीसरे विकल्प के रूप में मानकर विधानसभा चुनावों में जीत दिलाए। आपको बता दें कि आजाद को सुनने बड़ी संख्या में आसपास से समर्थक पहुंचे थे। सुबह से इंतजार कर रहे समर्थक देर शाम तक डटे रहे। आजाद करीब 7 घंटे देरी से पहुंचे थे।